अगर आपको पता चला जितना गुलाबी मंजर उनके घोषणा पत्रों में नजर आता है, जितने शानदार आंकड़े उनके बयानों में दिखते हैं, हकीकत का हिंदुस्तान उसके करीब नजर नहीं आता है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप देखिए किसी नेता के पास एक सेंट परसेंट श्योरिटी अपने बारे में नहीं है। जो स्कूटर चला रहे थे 10 साल पहले, आज उनके पास मर्सिडीज कार है। ये जनता है बॉस, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। मुझे लगता है रिपोर्टर, सवाल तो सुन लीजिए सर, एक मिनट, ये मुझे बताइए, दिवाली मिलन अपनी जगह है, आप सब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। ये यही तो मुसीबत है, हम पत्रकार जाते हैं और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी की दौड़ करते हैं। 2002 के बाद तो उन्होंने आपको भी बस में कहीं बिठा के इंटरव्यू दिया। नहीं नहीं सौरभ, सौरभ बात ये नहीं है, पत्रकार जो होता है वो कॉकरोच होता है, नेता जो होता है बटरफ्लाई होता है। अगर नेता आपसे कहे कि आप बस में नीचे बैठकर इंटरव्यू करें, मैं करूंगा, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है। मेरा जवाब है सवाल पूछना। इट्स नॉट राजदीप सरदेसाई वर्सेस सौरभ द्विवेदी, इट्स वी द पीपल, वी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक वर्सेस द पॉलिटिकल सिस्टम्स अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री मैच के लिए जाते हैं, हमारी टीम हारती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छा खेलती है, लेकिन किस पर डिबेट होती है टीवी चैनल पर, पनौती कौन है, पप्पू कौन है, डिबेट होनी चाहिए पेपर लीक के जिम्मेदार कौन है, कौन उसके लिए जवाब दे देगा, वो उस पर होनी चाहिए। भावुक हो जाते हैं बड़े भाई, आप लोग इतना हौसला बढ़ा देते हैं, उनको लगता है यही मौका है, मार दो चौका। एजुलस डायग्नोस्टिक्स। हमने समाज विज्ञान की किताबों में पढ़ा कि भारत एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई है, लेकिन ये इकाई जो 1.5 अरब की संख्या के अल्ले पल्ले है, असल में कैसी नज़र आती है? जब मेरे साथी छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल में चुनावी प्रक्रिया के तहत भटकते हैं, तो उन्हें कुछ बुज़ुर्ग नज़र आते हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि फिलवक्त देश में प्रधानमंत्री कौन है। उनकी ज़िंदगी राशन पर मिले नमक और वन से समेटी गई कुछ पदार्थों तक सीमित है, जिसे सरकारी भाषा में संपदा कहा जाता है। मैं उस हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूं इस राजनीतिक मंच पर जो उदयपुर के ग्रामीण संभागों में बसती है, जिनकी 6 साल की बेटी राधा 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर जब अपने प्राइमरी पाठशाला में पहुंचती है, तो मुझ जैसा दिल्ली से आया पत्रकार सबसे पहले उसके पाँव पर ठिटक जाता है कि राधा के पाँव में चप्पल या जूता नहीं है, लेकिन उसके माथे पर शिकन भी नहीं है। हम अपनी पीठ इस बात पर थपथपा सकते हैं कि राधा जैसी इस हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों बेटियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन हमारा सर उसी समय झुक जाता है जब हम देखते हैं कि इन बुलंद इरादों के लिए जो पाँव हैं वो महफूज नहीं है। हम हिंदुस्तान के उन इलाकों से होकर आए हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, हम लोकतंत्र की प्रक्रिया को बहुत करीब से देख कर आए हैं, हमने प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के, राष्ट्रीय अध्यक्षों के, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों के मंच से भाषण सुने हैं, हमने उनके इश्तिहार देखे हैं, उनके घोषणा पत्र, उनकी गारंटियां, उनके संकल्प पत्र देखे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितना गुलाबी मंजर उनके घोषणा पत्रों में नज़र आता है, जितने शानदार आंकड़े उनके बयानों में दिखते हैं, हकीकत का हिंदुस्तान उसके करीब नज़र नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, लल्लन टॉप के इस साप्ताहिक राजनीतिक कार्यक्रम नेता नगरी में हम बार बार लगातार न सिर्फ जमीन का बयान जनता के सामने पढ़ते हैं, बल्कि सत्ता के गर्भगृह में इस जनता के नाम पर क्या कारस्तानियां, क्या उलटवासियां होती हैं, उन सब को भी निष्पक्ष ढंग से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नेता नगरी के एक और सत्र में, इस खास सत्र में, लल्लन टॉप अड्डे में आहूत हो रहे लाइव सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो सदैव यहाँ मौजूद हैं और जो कैमरे की उस पार की दुनिया से हमारे परिवार की ऊर्जा को लगातार बढ़ा रहे हैं अपनी उपस्थिति से। हमारे इस कार्यक्रम के दो सदाबहार मेहमान मेरी दाई तरफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी जो जीस न्यूज़ के साथ बतौर न्यूज़ डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, और मेरी बाईं तरफ है राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ टीवी पत्रकार जो इंडिया टुडे टीवी के साथ बतौर कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। राहुल श्रीवास्तव जी,
सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा और सबसे हालिया घटना से रुख करूंगा। जब राजस्थान में हम घूमते हैं तो हमें मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार नजर आते हैं कांग्रेस और भाजपा के खेमे में। एक दावेदार है जिसकी दावेदारी पर अब कुछ धूल जम गई है, जो टोंक के अलावा अपने बेहद खास लोगों के कार्यक्रम में ही जा रहा है या यदा कदा राहुल गांधी के बगल गिर नजर आ रहा है। सचिन पायलट की पॉलिटिक्स किस दोराहे पर खड़ी है? राहुल श्रीवास्तव जी, सौरभ, हर चुनाव जो होता है वो अपने अपने एक कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स लेके आता है। तो यानी राजस्थान में सचिन पायलट गहलोत एक हकीकत है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि फागी इलाके में सुनीता नाम की एक 6 साल की लड़की अपने पूरे तमाम वंशों में अभी तक पहली इंग्लिश बोलने वाली बच्ची को सुन के बहुत अच्छा लगा, चुनाव में अच्छा लगा मुझे। बाड़मेर के एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में पहली बार 25 यूनिट का बिजली का बिल मिलना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, वहां बिजली पहुंची, यानी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बहरहाल ये इलेक्शन जो है इसको अगर मैं देख रहा हूँ तो कोई वेव नहीं, कोई सुनामी नहीं, कोई बहुत बड़ा रोलिंग इशू नहीं। एक चीज़ जो बड़ी आ रही है कि इस समय आप हर राज्य में वर्चुअली देखिए तो हर एस्टैब्लिश्ड नाम जो आप जिसके नाम पे वोट देते थे वो गफलत में है। 3 राज्य जो आपने जिक्र किए राजदीप ने, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप देखिए किसी नेता के पास एक 100% श्योरिटी अपने बारे में नहीं है। राजस्थान में अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, बघेल साहब भ्रष्टाचार के क्वेश्चन मार्क, TS सिंहदेव भविष्य अंधकार में, इतिहास में उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। मध्य प्रदेश में आपके शिवराज सिंह चौहान जी पे क्वेश्चन मार्क है। इधर कमलनाथ जी बन सकते हैं नहीं बन सकते, एक थोड़ी सी श्योरिटी आई है लेकिन पक्का नहीं, कुछ भी कहा जा सकता है। राजस्थान आइए तो गहलोत साहब वो हाई कमांड से भी लड़ते रहे हैं और राज्य की हाई कमांड बन के भी लड़ते रहे हैं। अब आया सचिन पायलट। मैंने बहुत कम ऐसे केसेस देखे हैं जो कि एक लोकसभा इलेक्शन से उपजा हुआ एक फिनोमेना, जिसमें लोगों को लगा कि यंग नेता आगे आएंगे, उसके बाद उनकी सेटबैक्स होती गई। आप देखिए मिलिंद देवरा महाराष्ट्र में, सचिन पायलट राजस्थान में, जितेंद्र प्रसादा, RPN सिंह, तमाम कांग्रेस के नेता जो कि नेक्स्ट जेन कहला रहे थे वो अचानक पीछे चले गए, छोड़ के चले गए। सचिन पायलट का केस जो है, मैं यानी वो बहुत लोगों को, उनके समर्थकों को पसंद नहीं आएगा, वो अजीत साहब का एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था, विलन हुआ करते थे बहुत उम्दा, उनका डायलॉग यह था कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा। इस समय पे सचिन पायलट का हाल ये हो रखा है कि वो पार्टी के लिए अगर मेहनत करें तो गहलोत मुख्यमंत्री, उनका भविष्य अंधकार में, अगर पार्टी के लिए मेहनत ना करें तो हार का ठीकरा उनके सर पे फोड़ा जाएगा कि देखिए इनकी बगावत और इनके असहयोग के कारण मैं चुनाव हार गया। ये सचिन पायलट की एक स्थिति हो जाना, ये कांग्रेस के लिए, एक्चुअली ये कांग्रेस की पिछले कुछ सालों की पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है कि ये कांग्रेस में हो रहा है कि आपका एक यंग टैलेंटेड नेता है जो कि 2018 में क्रेडिटेड विद द विक्ट्री ऑफ ईस्टर्न राजस्थान में, सचिन पायलट फैक्टर बहुत भारी है, एक अच्छा पॉलिटिकल कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने क्रिएट किया था, रेनबो कोएलिशन, अलग अलग कास्ट के बीच में जो कास्ट इकट्ठी नहीं होती थी उनको इकट्ठे लाए थे। और उसका हश्र ये हुआ था कि 49 सीटें जो ईस्टर्न राजस्थान में हैं उनमें से 42 सीटें कांग्रेस जीत गई थी और इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द कांग्रेस इन दैट स्टेट। आज की स्थिति यह है कि सबसे यूनिक फिनोमेना में देख रहा हूँ पॉलिटिक्स का कि आप तमाम गांवों में ईस्टर्न राजस्थान में चले जाइए, दौसा, टोंक और सब में, तो भाई किससे खुश हो किससे नाराज़ हो पूछे, साहब कांग्रेस से नाराज़ हो? नहीं साहब, क्यों नाराज़ होंगे? BJP से नाराज़ हो? नहीं साहब, क्यों नाराज़ होंगे? किससे नाराज़ हो फिर? साहब जिसने सचिन को CM नहीं बनने दिया। ये ओवरराइडिंग फैक्टर पब्लिक खुले में बोल रही है। राहुल जी, ये सिर्फ गुर्जर समाज के लोग बोल रहे हैं या ईस्टर्न राजस्थान में सारे ही समाज के लोग? ये गुर्जर समाज में एक डोमिनेंट फैक्टर, लेकिन गुर्जर एक बड़ा वोटर है, सेगमेंट है। देखिए कुछ वोट्स ऐसे होते हैं, सेगमेंट्स ऐसे होते हैं समाज के जो कि सिर्फ अपना वोट उनका क्रूशल नहीं होता, उनकी केमिस्ट्री विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ केमिस्ट्री, कास्ट के साथ, और वो हांका लगाने वाली कास्ट हुआ करती हैं अपने इलाके में।
क्या है कि गुर्जर वहां पे सक्षम है इकोनॉमिकली, थोड़ा उस कारण से वो एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को देता है, और वो एम्प्लॉयमेंट देने के कारण इकोनॉमिक एसोसिएशन के कारण एक पॉलिटिकल एसोसिएशन क्रिएट करता है जी। राजदीप जी, सचिन पायलट वो नेता हैं जो मानेसर तो गए लेकिन भाजपा मुख्यालय नहीं आए अमित शाह के हाथ से या जेपी नड्डा के हाथ से पार्टी का पटका पहनने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये काम कर दिखाया, दोनों को 2019-18 के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद राहुल गांधी ने अपने सिपा सालार के तौर पर लेकिन डिप्टी के तौर पर रवाना किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में पॉलिटिकली कहाँ खड़े हैं, हाल ही में आप उनका इंटरव्यू करके आए, बताइए सर। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब वो राजनीति में आए, सचिन पायलट भी, क्योंकि उनकी पिताजी की मौत अचानक होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया की का देहांत एक एयर क्रैश में होता है, सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट का देहांत एक कार क्रैश में होता है। दोनों तब तक फॉरेन यूनिवर्सिटी से, अच्छे स्कूल से आकर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर अचानक राजनीति में आ जाते हैं। और क्योंकि सडनली कांग्रेस उभर कर आती है 2004 में, और राहुल गांधी तब कांग्रेस के एक तरह से नेता बनकर आते हैं, तो वो एक जेन नेक्स्ट जिसे कहते हैं अपने इर्द गिर्द करते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यही जो जेन नेक्स्ट है कांग्रेस का, वो बीजेपी की तरफ गया है। और जब मैंने ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में यंगर जनरेशन को मेरिट के हिसाब से आप वो अहमियत नहीं देते जो आपको मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा, आपको तो मंत्री बनाया था, अब आप और क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, कोई फेवर मुझे की नहीं गई, मैंने अपना काम किया, मैंने मेहनत की, मुझे मंत्री बनाया गया। तो मैंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पिताजी के नाम पर पॉलिटिक्स में आए, अगर आप माधवराव सिंधिया के बेटे नहीं होते तो आप राजनीति कैसे करते? तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी एक पहचान बना दी है। लेकिन जब आप ग्वालियर चंबल में जाते हैं, विशेषतर ग्वालियर में जाते हैं, तो लोग अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को माधवराव सिंधिया से एक ही नजर से कि माधवराव सिंधिया का बेटा। देखिए, हमारी राजनीति की एक तरह से ये जो डिनेस्टिक फैमिली पॉलिटिक्स है, परिवार की पॉलिटिक्स है, ये अब हर पार्टी में पहुंच गई है। ऐसी नहीं है कि कोई, मैं समझता हूं लेफ्ट को छोड़कर बीजेपी में भी आ गई है। बीजेपी में कई सालों तक परिवार की पार्टी, पारिवारिक पार्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब लोकल लेवल में वहां भी होने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं समझता हूं उनके लिए यह सबसे बड़ा टेस्ट है। आज की तारीख में अगर वो ग्वालियर चंबल जीत पाते हैं बीजेपी के लिए, तो फिर वो कह सकते, देखिए मुझे किसी कांग्रेस नेता ने कुछ दे दिया नहीं, मैंने अपने बल पर यहां ग्वालियर चंबल में पार्टी खड़ी की। 3 साल पहले बाई इलेक्शन में वो जीते थे उनके कैंडिडेट्स, बट ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है ग्वालियर चंबल में, जहां 26, मुझे लगता है 35 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर वही करिश्मा करके दिखाए तो जरूर वो नेता बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कई नेताओं का, कि देखिए जिस तरह से विराट कोहली ने क्रिकेट बदला है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स बदली है। अब आप, अगर आपको इंडिया के लिए खेलना है, आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड में विराट कोहली 100 रन बनाता है, रन ऐसा दौड़ता है जैसे वो पहला रन कर रहा है जबकि उसने 100 रन बनाए हैं, विदेशी प्लेयरों से फास्टर दौड़ता है। उसी तरह से राजनीति बदल गई है सौरभ। एक जमाने में आप केवल चुनाव के टाइम पे लोगों के सामने जा सकते थे, वेव कर सकते थे और कह सकते थे मेरे परिवार ने ये किया वो किया, और आप समझते थे जनता आपको वोट देगी। अब वो नहीं होगा। जनता जो है ना, वो ट्रांजैक्शनल बन गई है, वो देखती है मुझे फायदा क्या होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, इन सब नेताओं के सामने ये चुनौती है कि आप क्या इस नए दौर में, ये कंपेटिटिव दौर जो बन गया है, मोदी जी ने क्या कहा है, चुनाव 365 दिन 2400 मैं लड़ूंगा, अपनी पूरी फौज लेके लड़ूंगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा टेस्ट है कि क्या ये नई राजनीति जो है उसके लिए आप फिट हैं, या केवल आप माधवराव सिंधिया के
बेटे हैं, इस वजह से आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव जी नरेंद्र मोदी जी से मिल के आए हैं, बताइए साहब। दिवाली मिलन था तो यानी कहने को कह सकता हूँ जैसे उन्होंने खूबसूरती देखा कि मैं मिल के आया हूँ, यानी वहाँ बहुत सारे मैं थे, यानी करीब 200-250 मैं थे। नेता नगरी का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे थे, हमारे मैं तो आप ही हैं। तो साहब ऐसा हुआ कि तो पहले बहुत सारे मैं में लड़ाई हुई। क्या होता है कि वहाँ पे एक वर्ण भेद अलग होता है और उसमें आला कमान सबसे आगे बैठती है पत्रकारों की, और उसके बाद मध्य कमान, उसके बाद निम्न कमान। निम्न कमान में वो बेचारे जो रोज़ गिट्टी पत्थर तोड़ करके खबर लाते हैं वो होते हैं। तो पहले एक लड़ाई हुई कुर्सी को लेकर के, बड़ी मैं पहले बड़ा मैं उनके बीच में, तो कुर्सियां एडिशनल डालनी पड़ी, अहाते को थोड़ा बड़ा करना पड़ा बड़े पत्रकारों को आगे बिठाने के लिए। यानी पहले मैं बड़ा था जी। उसके बाद ये हुआ कि मोदी साहब चल के आ रहे हैं, उनके साथ अमित शाह वगैरह भी हैं, तो नमस्कार होता रहा। तो बहरहाल वो एक लंबा सिलसिला करके जब आए तो मोदी जी की याददाश्त बहुत तेज़ है और उन्होंने मुझसे यानी वो उस्ताद करके पूछा कि कैसे हैं। मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लखनऊ बिल्कुल छूट गया तो ये अभी इस बार की बात है ये। हाँ, उन्होंने मुझसे फिर ये सवाल पूछा कि लखनऊ बिल्कुल छूट गया, क्योंकि हमारी एक टाइम पे जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था 1990s में और मेरे क्रूर बॉस हुआ करते थे राजदीप सरदेसाई। क्या क्रूर बॉस? क्रूर, हाँ क्रूर। अच्छा, मैंने कहा सुनने में कुछ भरम ना। मैंने क्रूड नहीं कहा, यानी आप क्रूड मत बनाइए। क्रूड कहा कि क्रूर कहा? क्रूर हिंदी में यार। क्रूअल? नहीं, वो क्रूअल नहीं होता, क्रूअल जरूरी नहीं है कि क्रूअल होता है। तो मेरे बॉस हुआ करते थे बहरहाल, तो अक्सर हमारी मुलाकात होती क्योंकि वो संघ के कार्यकर्ता के रूप में कानपुर इधर उधर आते थे, हम कवर करते थे। तो उन पूछा, मैंने कहा छूट गया, तो उन्होंने कहा कि अब वहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने कहा साहब देखिए, इस देश में अब दो ही लोग हैं जो कि अपना एक पुराना ठिकाना छोड़ छाड़ के दिल्ली में पूरी तरह बस गए हैं। तो बहरहाल ये मुलाकात, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि चुनाव के पीरियड में एट ए टाइम व्हेन देयर वाज एक ज़रूरत लग रही थी तो एक मिलन हुआ, और उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें भी कहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नया चैलेंज है, डीप फेक्स इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। आप देख रहे हैं कि सारा तेंदुलकर और तमाम लोगों के डीप फेक्स आ रहे हैं, और यही बात वो पत्रकारों के सामने उस दिन बोल के G20 वर्चुअल समिट में भी ले गए यही चीज़। तो कुल मिला करके उसके बाद एक भोज था, उसमें भोज हुआ, और कुल मिला करके ये रहा दिवाली मिलन कोविड के बाद। ये मुझे बताइए, दिवाली मिलन अपनी जगह है, आप सब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। यही तो मुसीबत है। हम पत्रकार जाते हैं और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी की दौड़ करते हैं। हमारे पत्रकार की जवाब, हमारी पत्रकारों को सेल्फी लेनी है या सवाल पूछने हैं? मैं देख रहा था आप लोग सब लाइन में। हालांकि एक बात है, मोदी जी या बीजेपी ने मुझे भी बुलाया था उस दिन मैं राजस्थान में कैंपेन, मैं रिपोर्टिंग करने जा रही थी। मुझे लगता है रिपोर्टर, सवाल तो सुन लीजिए सर, एक मिनट। पत्रकार का दायित्व होता है पहले रिपोर्टिंग करे, सवाल पूछे। तो मुझे राजस्थान जाना था तो मैं वहां गया था। दिवाली मिलन में जरूर जाता अगर मुझे पता चलता कि वहां प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवाल लेंगे, और अगर लेंगे तो मैं रुकता। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग वहां सेल्फी देके ट्विटर पर लगा रहे, देखो मैं प्रधानमंत्री के कितने नजदीक हूं जी, क्या है ये? देखिए मैं, हम पत्रकार हैं या पीआर एजेंट? राहुल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ राहुल जी, देखिए मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मगर हर नेता अपना एक स्टाइल ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो सामने रख देता है। क्या है कि नरेंद्र मोदी जब आए दिल्ली तो वो एक अपने साथ एक सेंस ऑफ परसेप्शन लेकर के आए दिल्ली की पत्रकारिता के बारे में और देश की पॉलिटिक्स के बारे में। राजीव ने कहा कि 365 दिन 24 घंटों पॉलिटिक्स करते हैं, वो सिर्फ इतना ही नहीं करते, वो हर एक एलिमेंट में पॉलिटिक्स को बरतते हैं। और उन्होंने एक बात जान ली
कि जितना पत्रकार दिल्ली में रोएंगे कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमसे नहीं बात करते, वो एक दिल्ली का इलीट वर्ग, उतना ही गरीब गुरबा एक स्ट्रिंगर खुश होगा कि देखो इनको भी वो नहीं मिला जो हमें मिलता है। क्या है कि इसके अंदर डीप रूटेड एक थॉट है, क्या है कि वो जो एक इलीट दिल्ली में लिखता है चमकता हुआ दिल्ली में सितारा, वो सितारा जो है वो चुभता है लोगों की आंखों में गरीब की, और उस चुभन को नरेंद्र मोदी कहीं नब्ज पकड़ते हैं। क्या है कि इसमें कोई तारीफ नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मगर इस पॉलिटिक्स को भी देखना होगा कि वो क्यों नहीं करते। ये कोई ऑर्डिनरी आपका रिजेक्शन नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है। नहीं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सच्चाई ये है कि मोदी जी 90 के दशक में दिल्ली आए, और उस दशक में जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के साथ संबंध रखते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते थे और बहुत अच्छा करते थे, और उनकी मैं समझता हूं उनकी काबिलियत है, वो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। 2002 के बाद बदलाव आया, 2002 के बाद तो उन्होंने आपको भी बस में कहीं बिठा के इंटरव्यू दिया। सौरभ, सौरभ बात ये नहीं है, सौरभ दिए ना पत्रकार, सौरभ द्विवेदी, पत्रकार जो होता है वो कॉकरोच होता है, नेता जो होता है बटरफ्लाई होता है। अगर नेता आपसे कहे कि आप बस में नीचे बैठकर इंटरव्यू करें, मैं करूंगा, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है। मेरा जवाब है सवाल पूछना, आप मुझे बस में रखिए, कहीं रखिए, ये आप छोड़िए। और ये कहना कि एलीट को कोई एलीट वर्ग को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, ये गलत है। मनमोहन सिंह को आप मनमोहन सिंह कहते थे कि मौनी है, उसी मनमोहन सिंह ने हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के जवाब दिए। आपको वो पसंद है ना पसंद, देखिए एक मिनट, क्योंकि इसका क्लिप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा मोदी जी इज अ टेरिफिक कम्युनिकेटर, उनके जैसा कम्युनिकेटर बहुत कम हुए होंगे, ही इज अ वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर। अब जब आप वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर है, मुझे लगता है आपके कम्युनिकेशन की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लोगों के सवाल या खास करके पत्रकारों के सवाल आप ले। आप मुझे बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड जो है उसका पैसा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, साल में एक बार तो बताइए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? राहुल जी की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, एलीट बताइए सर। नहीं नहीं, देखिए अगर पत्रकार, आपने एक लंबी लिस्ट दी है चुनावी राज्यों की, आप चाहें तो हम एक घंटा से प्रधानमंत्री डिस्कस कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीजेपी आईटी सेल इसे क्लिप करे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर आईटी सेल की परवाह कर रहे हैं, कोई आईटी सेल की परवाह नहीं करता, उनका अपना रोजगार है, हम ही से चल रहा है, चलता रहे, बताइए सर। नहीं देखिए प्रॉब्लम, ये बात बिल्कुल सही, मैं इससे इत्तेफाक नहीं, राजदीप को डिसएग्रीमेंट कहाँ लग रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लम, मगर वो प्रॉब्लम हुई है या जान के उन्होंने क्रिएट की है, मुझे लगता है कि जान के उन्होंने ये एक सिग्नल दिया है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि वो 2002 तक आप कह रहे हैं बात करते हैं, आखिरी अच्छी मुलाकातें आप लोगों की 2002 में हुई थी, आप लोग ऐसा क्या कराए कि हमारा नुकसान हो गया? नहीं नहीं देखिए, और मैं एक लास्ट ऐड करूँ इसमें, मोदी इज नॉट अलोन, नवीन पटनायक इस देश के सबसे लंबे सर्विंग चीफ मिनिस्टर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबी अध्यक्षा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेती, आप जयललिता जब थी इतने सालों तक तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी, कोई जनता के सवाल उन्होंने नहीं लिए, ये हमारी एक डेमोक्रेसी की कमजोरी है। no, no, कि हमारे नेता जो है, राजदीप जी हम तीनों लोग इस बात पर सहमत हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर महत्वपूर्ण विदेशी दौरे के बाद और साल में कम से कम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इसमें हम में से मतभेद किसमें है? बिल्कुल नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं केवल मोदी जी नहीं, ये सब नेता, नहीं वो चूंकि देश के सबसे बड़े नेता है, आपको अभी उधर सेट करना चाहिए। नहीं सर, आपने अभी चुनाव के बारे में बात की, मैं अभी तेलंगाना से आज ही आ रहा हूं हैदराबाद से, वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं जो शायद इतिहास रचा सकते हैं, पहले साउथ के मुख्यमंत्री बनेंगे जो लगातार 3 चुनाव जीते हैं। अब आप वहां के पत्रकारों से पूछिए के चंद्रशेखर राव क्या पत्रकार से मिलते हैं, उनके सवाल के जवाब देते हैं, 6 महीने में एक बार कभी मन बना तो लेते हैं और सवाल भी नहीं लेंगे, भाषण करेंगे सवाल बहुत कम लेंगे, मुझे बताइए क्यों? वाई शुड अचीव, क्या हुआ है हमारे नेता जो है VVIP बन गए हैं, वो जनता के सवाल ले रहे, पार्लियामेंट में अपने ओपोनेंट्स के सवाल नहीं लेते हैं, ये हमारे देश, और हम खुश हैं इससे,
हम चाहते हैं कि हमारे नेता हमारे सवाल ना ले, आप चुनकर आते हैं, 5 साल वहां बैठते हैं, चंद्रशेखर राव हो, सोनिया गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, क्या जनता का दायर कोविड हुआ क्या हमारी नेताओं को हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कितने सवाल थे जनता के सामने कि आपने क्या किया, आप क्या करेंगे? किसी एक स्पोक्स पर्सन को बिठाएंगे टीवी स्टूडियो में और वही स्पोक्स पर्सन एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जंप करते रहते हैं, वही चेहरे, क्या मतलब है इसी? आप देखिए राजदीप जी, अब आप टीवी स्टूडियो बंद कर रहे हैं क्या? जो बाइडन हो, ऋषि सुनाक हो, कोई भी बड़े नेता हो किसी भी डेमोक्रेसी के, उनको जनता के सवाल लेने पड़ते हैं। हमें डिमांड करना चाहिए कि आप हमारे सवाल लीजिए, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। आप बहुत हो चुका है सर। नहीं नहीं आप आए, व्हाई आर यू सो एंग्री? आप एक बार बताइए, राजदीप सरदेसाई हर नेता नगरी में यह शिकायत करते हैं कि उनको बोलने का सबसे कम समय मिलता है, अभी भरपूर मिल रहा है, जनता को देखकर एक सच्चे नेता भविष्य के नेता के अंदर उत्साह आ जाए, ये भी स्वाभाविक है, ठीक है। तीसरी चीज बस सर, एक माइनर सा करेक्शन है, शायद आप जल्दी में बोल गए, केसीआर से पहले एमजीआर वो नेता हुए हैं जो लगातार 3 से ज्यादा ही डिड नॉट विन 3 consecutive elections, आई चेक दिस, 77 80 77, नो ही वन वन ऑफ द इलेक्शंस, आई थिंक वाज 77, 80, 77. I think he became after Karunanidhi's government was removed. I'm not sure it was. If I may be MGR may be the only person. Maybe. But आप check करिए, मुझे जो जानकारी है 77, 80, 84. All three as elections. So after MGR. Sorry, after MGR, KCR. ठीक है. Sorry. नहीं नहीं मैं तो हम सब we all have AIADMK won 144 seats out of 234. In 1977 elections and he became chief minister in 30th June 1977. Next election was 1980 जब parliamentary और assembly elections एक साथ हुए and third was 1984. बीच में three full terms. बीच में president's rule लग गया था. President rule लगा था जो गलत साबित हुआ था और उसके बाद उनकी वापसी हुई थी. चलो राजदीप सरदेसाई was wrong. नहीं नहीं नहीं. Don't make it so personal, chief. No, seriously. No, done. Accept it. We all learn from each other. It's not Rajdeep Sardesai versus Saurabh Dwivedi. It's we the people, we the representative of public versus the political system's accountability, जो fix नहीं हो पा रही है. बिल्कुल. हम सब सर पत्रकार हैं, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? Right, सही है. भावुक हो जाते हैं बड़े भाई. आप लोग इतना हौसला बढ़ा देते हैं, उनको लगता है यही मौका है, मार दो चौका. सवाल ये नहीं है, हम इनको हमेशा कहते हैं कि आप राज्यसभा नहीं लोकसभा मटेरियल हो. दोस्तों सवाल ये नहीं है, और बंगाली भी बोल लेते हैं. सवाल भाई साहब सवाल ये नहीं है, जब आप और महुआ मोहित्रा वाली सीट खाली भी हो सकती है. नहीं नहीं, और बिना पैसे के मिले तो रसगुल्ला भी पसंद करते हैं. नहीं नहीं भाई साहब, सवाल ये है, जब आप मेरी उम्र के हो जाओगे 58 साल के और आपने ये पत्रकारिता 33-35 साल की है, तो आप अपने पत्रकारिता को एक तरह से अपनी एक प्रोफेशन ही नहीं अपना पैशन समझते हो. और मैं पैशन की तरह से कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुआ करते थे इस देश में, जब आप वाजपेयी जी के सामने जाते थे वो कभी आपको नहीं कहते थे ये सवाल मैं नहीं लूंगा ये सवाल, वो तैयार होते थे. मैं कहता उस तरह के नेता चाहिए. आप 90s के एक इस देश में उस तरह के नेता हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं कह रहा हूं आप करिए, होना चाहिए. हम जनता जो है, हमारे नेता से डिस्कनेक्ट हो गई है. आप चुनाव की बात कर रहे हैं ना, चुनाव में सबसे मैंने क्या ट्रेंड देखा है, आज जो जनता है ना, उन्होंने दो बैंक अकाउंट जनता ने रखे हैं. एक बैंक अकाउंट में एक सरकार से पैसा लेती है, जैसा वो उब जाते हैं वो दूसरे अकाउंट से दूसरे पार्टी से लेती है. तो अगर आप लाडली बहना में 1250 मुझे दे रहे बीजेपी, तो फिर कांग्रेस कहती है मैं आपको 1500 देते हो, 1500 दे रहे हैं तो मैं आपको 3000 दूंगा. जनता में अब कोई विचारधारा से जो लगाव था वो नहीं रह गया है, नेताओं से इमोशनल कनेक्ट दूर हो गया है, केवल ट्रांजैक्शनल हो गया है, किससे मुझे क्या मिलेगा, और ये दुखद है और ये नहीं होना चाहिए. जी बहुत शुक्रिया राजदीप जी, थैंक यू. इससे पहले हम ऑडियंस के पास जाएं, और आज राजदीप जी ने साल भर का कोटा पूरा कर लिया कि मुझे समय नहीं मिलता, इससे पहले कि हम ऑडियंस के पास जाएं, राहुल श्रीवास्तव जी हमें एक कहानी सुनाने जा रहे हैं. ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के गर्भगृह से जुड़ी हुई कहानी है,
इस कहानी में वसुंधरा राजे हैं जो नाराज नजर आ रही हैं, इसमें पूनिया और शेखावत हैं जो उनके साथ नजर आ रहे हैं, इसमें राजेंद्र राठौड़ हैं जिनका अलग गुट नजर आ रहा है। इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद ऑडियंस के सवाल। सौरभ, इस चुनाव में ना ये जो मैंने कहा कि लीडरशिप अनसेटल्ड इशू जो है, इसने इतने सारे स्ट्रेन से वो निकाल दिए हैं कि पहली मुलाकात इस चुनाव के दौरान सचिन पायलट और गहलोत साथ दिखते हैं कहाँ, प्रियंका गांधी कैंपेन के लिए आई थी उनकी गाड़ी में। तो मैंने सचिन पायलट से पूछा कि क्या आप लोगों की बातचीत हुई, कुछ कहीं थोड़ा सा मनमुटाव दूर हुआ? तो सचिन ने उस पर जवाब नहीं दिया, कहा कि हमारे बीच में सब नॉर्मल है। मगर ये सोचिए कि मुलाकात वो ऐसी हो जाती है। कुछ महीने पहले की बात है सौरभ, कि अमित शाह, आपने पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी, दिखा था कि किस तरह से अमित शाह ने वसुंधरा राजे जी को टोटली इग्नोर कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि एक मीटिंग हुई राजेंद्र राठौड़ जी जो वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया जी की, और वो मीटिंग जो हो रही थी उसके बीच में अचानक वसुंधरा जी नाराज़ होकर उठ जाती हैं, और उठ करके वो प्रहलाद जोशी जी जो बीजेपी के नेता हैं उनके वहाँ पे घर पे मीटिंग हो रही थी, और वहाँ से वॉकआउट कर जाती हैं। और वॉकआउट के बाद जब वो करती हैं तो उनको बुलाने के लिए वापस दौड़ने वाले शख्स जो थे पुनिया साहब थे, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान के, और वो उनको दौड़ करके मनुहार करके वापस ले आते हैं। उसके बाद एक मीटिंग होती है गजेंद्र सिंह शेखावत की वसुंधरा राजे की उनके घर पे, ये भी परस्पर विरोधी माने जाते हैं। और कहा यह जाता है कि एक मैसेज उस मीटिंग के अंदर कन्वे कर दिया गया था कि कहीं आप थोड़ा सा बैकडाउन करिए, क्योंकि ये अदरवाइज लार्जली नुकसानदेह हो सकता है। यू आर ए लीडर, यू हैव ए सन हु इज इन पॉलिटिक्स एंड यू आर लुक मस्ट भी, आप आगे भी देख रही होंगी पॉलिटिक्स में। आपने देखा कि उसके बाद से एक सम सेंस ऑफ एक सेम्बलेंस आ रहा नॉर्मेलसी का। राजस्थान की इस पॉलिटिक्स के अंदर अभी कुछ चीज़ें जो बड़ी नोट की जा रही हैं कि हर बार जो हैं वो शाहनवाज खान, एक बीजेपी के नेता, पहले प्रवक्ता थे, उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, उसके बाद वो बिहार में अभी नेता हैं, वो कंसीडर किए जाते थे, अगर आप कोई याद हो किसी को राजस्थान से लोग हों, कि हर वसुंधरा राजे के नॉमिनेशन में शाहनवाज हुसैन ज़रूर होते थे। इस बार ये पहली बार है, उनको एक्चुअली लकी मैस्कट समझा जाता था, वो इसलिए बुलाए जाते थे। ये पहली बार है जब शाहनवाज हुसैन वहाँ नहीं पहुँचे। कुल मिलाकर के अगर इस समय पे राजस्थान बीजेपी की जो स्थिति है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आ रही है, ये जो रिटर्न ऑफ थोड़ा सा वसुंधरा राजे दिख रहा है ना सौरभ, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्यों? द बीजेपी को थोड़ा कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि कहीं अगर आप ये नहीं करेंगे कि वसुंधरा को पीछे कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो एक बड़े नेता ने एक वार्निंग दी थी कि दिस कैन बी अनदर कर्नाटका, दिस कैन बी अनदर कर्नाटका हो सकता है यहाँ पे, इसलिए लीडरशिप को साइडलाइन का सिग्नल मत दो। और उसके बाद से वहाँ से थोड़ी सी वापसी हुई है, लेकिन एक मजबूरी और आ रही है। राजस्थान लाइक मध्य प्रदेश एक सैचुरेशन स्टेट है बीजेपी की, जहाँ अमूमन मोस्ट या ऑलमोस्ट सीटें बीजेपी जीतती है, और वहीं पर आज की स्थिति देखते हुए बीजेपी लीडरशिप के लिए सौरभ मुझे नहीं लग रहा इतना आसान होगा शिवराज सिंह चौहान को जीत के बाद कंप्लीटली साइडलाइन कर देना या वसुंधरा राजे को। क्यों? क्योंकि अगर 2024 जीतना है तो कुछ समय के लिए कम से कम इन दोनों को आपको पॉलिटिकल फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। इसी पे अगली बात, दो वी शुड आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड प्रेडिक्शन, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, क्या लगता है आपको बाजी किसके हाथ रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्लियर विनर के तौर पे खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं एक माहौल पिछले कुछ दिनों में बना है जिसमें लग रहा है कि बघेल साहब, ट्राइबल एरिया, टीएस सिंहदेव का जो सरगुजा एरिया, यहाँ पे कांग्रेस को सेटबैक्स हो सकते हैं। ये पिछले कुछ दिनों के डेवलपमेंट है, अदरवाइज जो अर्ली ओपिनियन पोल्स बीजेपी और कांग्रेस ने करवाए थे उसमें तो कांग्रेस वॉज लुकिंग अहेड। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में डेफिनेटली बीजेपी हैज कम बैक फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन राजदीप ने जिक्र किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ग्वालियर चंबल रीजन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल, क्योंकि वहां कांग्रेस को छोड़ के आए हुए नेता बीजेपी में शामिल हुए थे,
मगर वहां कांग्रेस रिपीट परफॉर्मेंस पिछली वाली कर सकती है। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए इस समय पे भोपाल जैसा एरिया नेक टू नेक चल रहा है, उज्जैन में भी नेक टू नेक चल रहा है। जो कोई एरिया बीजेपी के लिए अच्छे लग रहे हैं वो है जबलपुर, जहां बीजेपी आगे है, होशंगाबाद जहां बीजेपी स्वीप कर सकती है, अभी भी क्लियर लग रहा है। लेकिन द वोट शेयर ऑलमोस्ट जो लग रहा है, सपोर्ट सिस्टम ऑलमोस्ट इक्वल, मगर आई थिंक 15 सीटें, ये जो 7-8 संभाग हैं राजस्थान मध्य प्रदेश के, ये 15 सीटें डिसाइड करेंगी कि इवेंचुअली कौन राजस्थान है। राजस्थान के अंदर एक बड़ी क्लियर पिक्चर इमर्ज हो रही है कि अशोक गहलोत ओवर आर्चिंगली सबसे पॉपुलर लीडर है, लेकिन हिज पार्टी इज नॉट एज पॉपुलर, हिज MLAs आर नॉट एज पॉपुलर, हिज मिनिस्टर्स आर नॉट एज पॉपुलर। बीजेपी ने जैसे मध्य प्रदेश में एक जिसे कहते हैं ना फ्लेयर छोड़ना, उसने बहुत सारे नेता छोड़ दिए कि शिवराज जी की अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो नरेंद्र सिंह तोमर भी हो सकते हैं, विजय वर्गीय भी हो सकते हैं। उससे क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा मिनिमाइज किया, लेकिन राजस्थान के अंदर सचिन पायलट गहलोत फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। दूसरा, बहुत सारी स्कीम्स जिनको हम बहुत अच्छा मान रहे हैं, जैसे पावर एक अच्छा इशू, चिरंजीवी योजना उनकी बहुत सक्सेसफुल योजना है, पावर एक अच्छा इशू है, लेकिन वो जो 100 यूनिट है, मैं गांव-गांव बहुत घुमा हूं कई जिलों में, वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही कि बिजली के दाम बढ़ा करके 100 यूनिट माफ हुए हैं, वो एक नेगेटिव हो गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इज अ बिग इशू, क्योंकि इतना एडुकेशन में उहापोह की स्थिति मैंने देखिए 75 सालों बाद भी अगर बच्चों के साथ ये होता है तो बहुत गलत है। राजस्थान में इवेंचुअली द बीजेपी डिस्टिंक्टली इज लुकिंग अहेड। सो यू आर सेइंग कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिख रही है, राजस्थान में बीजेपी आगे दिख रही है, और मध्य प्रदेश में इट्स अ क्लोज कॉल। मध्य प्रदेश में इट्स अ क्लोज कॉल, बट लास्ट टाइम ऑल्सो वर्डिक्ट ऐसा ही था, जहां कांग्रेस का कन्वर्जन बेटर था। वर यू देयर इन तेलंगाना? नो, आई वाज नॉट इन तेलंगाना। राजदीप, सेम क्वेश्चन, दीज स्टेट्स, छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कांग्रेस थोड़ा बहुत आगे है, कोई क्लीन स्वीप नहीं है जैसे 2018 में हुआ था, टफ कॉन्टेस्ट है। मैं राजस्थान में कहूंगा क्लियर मुझे लगता है बीजेपी आगे है, क्योंकि युवाओं में जो गुस्सा है, गुज्जरों में जो गुस्सा है, और MLAs के खिलाफ, इस चुनाव में हर MLAs के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इस वजह से सौरभ, 5 साल हम सबके लिए बहुत मुश्किल के गए हैं, 2 साल कोविड में गए, 2 साल सरकारें कोई गिरा रहा था, कौन मुख्यमंत्री बन रहा था, नेता बहुत अमीर हो गए हैं, नेता के एसेट्स, MLAs, हर MLA की राजस्थान में एसेट्स बड़े हैं, तेलंगाना में बड़े हैं, जनता का इनकम कम हो गया है, हर सरकार नोटिस पर है, सर, जो भी सत्ता में है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बताइए प्रेडिक्शन, ताकि तो प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थोड़ा आगे, राजस्थान में बीजेपी आगे, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, लेकिन एक W फैक्टर है, महिला, विमेन फैक्टर। अगर लाडली बहना स्कीम चलती है तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि शिवराज सिंह चौहान फिर से लौट कर आते हैं। अगर नहीं चली तो एडवांटेज कांग्रेस, तेलंगाना, और तेलंगाना में वाकई बेस्ट इलेक्शन है। एक तरफ एक ऐसा नेता जो जनता के साथ, पुराने जमाने का नेता, इमोशनल कनेक्ट लेके जब KCR आते हैं, आपने जनता में देखना चाहिए किस तरह से उसका कनेक्ट है। लेकिन उसी के MLAs ने इतनी करप्शन की बातें वहां लोगों में सुनने में आती है कि जो स्कूटर चला रहे थे 10 साल पहले, आज उनके पास मर्सिडीज कार है। ये जनता है बॉस, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। इसलिए तेलंगाना में कांग्रेस जो 4 महीने पहले लगा था आउट ऑफ रेस थी, कांग्रेस और KCR के बीच में पूरी टक्कर है। और हर राज्य में सौरभ, ये हमारी ले लेते हैं क्वेश्चन, नहीं एक मिनट, हमारे लोकतंत्र में हमें, ये जनता है ये जाने, लोकतंत्र में हमारा विश्वास कम हो रहा है, लेकिन आप जानिए चुनाव जो है ना वो हर MLA को एक तरह से प्रेशर में डाल रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। 5 सवाल लेंगे जी, पूछे, ये इधर दाएं तरफ जो अंकल जी हैं उनको दीजिए माइक। यू हैव टॉक्ड ऑफ चेंज इन लेजिस्लेचर्स विज़ावी द लोकतंत्र, आज कौन सा नेता चुना हुआ है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज़ लेके वहाँ पे जा रहा है? वो सिर्फ अपनी पार्टी की फिलॉसफी और पावर पॉलिटिक्स खेल रहा है,
लोकतंत्र नाम का जरूर है लेकिन वो आवाज नहीं है जनता की। थैंक यू आप जी माइक लीजिए। एक सेकंड सवाल ये है आप दोनों लोगों से कि सांसद चुन के जाते हैं, विधायिका में जाते हैं विधान बनाने के लिए, पार्टी एक व्हिप जारी करती है, एवरीबॉडी फॉल्स इन लाइन, कोई मतभेद नहीं होता है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी आवाज क्या है। सौरभ मैंने आपको याद होगा एक ललन टॉप नेता के प्रोग्राम में बोला था देर इज अ कंप्लीट डिमाइस ऑफ द MLA एंड MP, दे आर डेड बिकॉज वो जो हाउस के अंदर जाके जनता के लिए बोलता था कि जनता के लिए फला चीज जरूरी है मगर बिल प्रेजेंटेशन के टाइम में उसकी पार्टी की लाइन दूसरी है तो उसका व्यू, उसकी जनता का व्यू या उसकी जरूरत कभी मैटर नहीं करती। अब बिल आफ्टर बिल आप देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर MP का कोई रोल नहीं है, ही इज लाइक ए नंबर। पहले क्या था कि हम वोटर नंबर थे कि सिर्फ हम वोट डाल दें, वी आर नॉट नीडेड बियॉन्ड द वोट। नाउ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी बेचारा हो गया है, क्या है कि पार्टी का सुप्रीमो इतना टॉप पे आ गया है कि वो एक डिस्ट्रक्ट बटन दबाता है अपने दफ्तर में बैठ करके कि तू पार्लियामेंट में ये कर, तू स्पीच में ये बोल, तू तोते की तरह ये बोल, और उसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA कुछ नहीं है। हम परफॉर्मेंस की बात करें कि एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA जब काम करेगा तो उसको शायद उसको उसका फायदा वो दोबारा इलेक्ट होगा। अब एक स्थिति ये आ गई है कि वो जानता है कि चुनाव में इफ यू लुक एट द BJP टुडे, BJP इज कंटेस्टिंग मोस्ट इलेक्शंस इन द नेम ऑफ मिस्टर मोदी। तो शिवराज सिंह चौहान हाफ अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि वो सरकार चला सकते हैं मगर वो चुनाव नहीं जिताते। सिमिलरली इन वसुंधरा राजे इज हाफ एम्प्लॉयड, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग इलेक्शंस बिकॉज वो तो मोदी जी के नाम पे हो रहा है। तो जब चीफ मिनिस्टर्स हाफ एम्प्लॉयड हैं, MLA सेमी एम्प्लॉयड हैं, तो MLA भी सोचता है साहब ऐसा है कि अगली बार टिकट मिले ना मिले, काम चले ना चले, तो राजीव जो कह रहे हैं एक मर्सिडीज तो कमा लो। इवेंचुअली दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर करप्शन कि द रोल ऑफ द MLA हैज बीन रिड्यूस्ड टू नथिंग। जी देखिए, पैसे का खेल बन गया है। मैं तेलंगाना से आ रहा हूं और जो मुझे अमाउंट्स लोग कह रहे हैं हर कैंडिडेट खर्च कर रहा है, मैं वो अमाउंट्स भी अगर आपके सामने रखूं तो आप तो ये इतना पैसा डिमोनेटाइजेशन हुआ था इस देश में नोटबंदी और सब कैश के बारे में बात कर रहे हैं करोड़ों में। हर कैंडिडेट सौरभ करोड़ों में पैसा खर्च कर रहा है। तो अगर आप करोड़ों में खर्च करते हो और आप चुन के आते हो तो आपको रिटर्न भी चाहिए ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये रिटर्न कहां से आ रहा है? किसी ने मुझे राजस्थान में कहा कि अशोक गहलोत की सरकार को उनके MLAs को लुभाने के लिए ये अफवाह चली कि BJP 10-10 करोड़ दे रहा था। तो मैंने कहा फिर वो MLA कांग्रेस में फिर क्यों रह गए? फिर वो चले जाते क्योंकि उन्होंने यह कांग्रेस ने कहा हम आपको ज्यादा देंगे। अब अगर इस तरह की राजनीति होती है, वही मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में जब लोग छोड़कर गए कांग्रेस और BJP की सरकार बनाई, क्या आपको लगता है वो गए केवल अपने केवल विचारधारा की वजह से? वो गए क्योंकि हर व्यक्ति लाल बत्ती, मंत्री और पैसे। सो देन सर देयर इज नो कनेक्शन विद द पीपल। अगला सवाल, फ्री विज कल्चर चल चुका अभी चुनाव में, जैसे अभी आपने जिक्र किया था, अभी मोदी जी कहते हैं उसको रेवड़ी कल्चर, ये अभी के चुनाव में एक्स फैक्टर हो चुका है। तो सर इसका मतलब काउंटर क्या हो सकता है, बता सकते हैं कि इसके कैसे मतलब जो हमारे दोस्त जब तक आप जनता को अपने प्रदेश की आर्थिक सेहत के बारे में साक्षर नहीं करेंगे, सुशिक्षित नहीं करेंगे, जब तक आप उनको ये बताएंगे नहीं कि ये जो तुमको 1,000, 500, 2,000 दिया जा रहा है कैसे ये घूम के तुम्हारे ही ऊपर बोझ बन रहा है। राजस्थान में वो आपको संजीवनी योजना दे रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है, सिलेंडर सस्ता दे रहे हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है। मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर वो आपको चुनाव के पहले लाडली बहना के नाम पर पैसा दे रहे हैं लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो बेरोजगारी का असर है, वो बार बार अपने आप को एग्रीकल्चर स्टेट के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। वही हाल छत्तीसगढ़ का है, भूपेश बघेल सरकार ने अब तक के सारे मुख्यमंत्रियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। तो एक तरफ वो कह सकते हैं कि धान के किसानों की समृद्धि आई है, पर अंततः आप कब तक ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत करते रहोगे? जब पब्लिक ये चीज़ समझेगी कि ये जो मुझे पैसा दिया जा रहा है ये पैसा अंततः मुझसे ही किसी और ढंग से वसूला जाएगा, एक तो ये पॉइंट है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ आय की इतनी असमानता है कि जब भी इस तरह के डोज दिए जाते हैं तो मिडिल क्लास और उसके ऊपर के लोगों को तो बहुत अखरता है।
लेकिन जिनका जीवन यापन 2,000-3,000 रुपए महीने में जिनका घर चल रहा है, उनको जब ये 1,000 की 500 की 2,000 की मदद मिलती है, किसी राशन किट में उनको 1 लीटर भी सरसों मिलता है, तो उनकी जिंदगी में वो बहुत गुणात्मक परिवर्तन लेकर आता है। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल सही सौरभ की बात, बिल्कुल सही। पॉइंट कहना चाहूंगा कि मैंने इस बार इस चुनावों में दो चीजें बड़ी एक इंटरेस्टिंग देख रहा हूं। एक जैसे जैसे कि एक लड़िए मत आपस में भाई, सुन लीजिए जवाब। जैसे एक नशा करने वाला होता है, उसको आज एक डोज की आदत है, कुछ दिनों बाद उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि उसको ज्यादा भारी डोज चाहिए होती है। ये जो हम कह रहे हैं कि इश्यूज नहीं है, उसका एक कारण सौरभ ये भी है कि द पब्लिक इज गेटिंग यूज टू दिस डोज ऑफ फ्रीबीज, और वो फ्रीबीज को लेते हुए जिन लोगों को 100 यूनिट मिल रहा है, वो 5 घंटे बिजली नहीं, इससे ज्यादा बिजली नहीं आ रही, उसकी शिकायत नहीं कर सकती साहब। वो प्रॉब्लम आ रही है गाँव में, मैंने पूछा लोगों से। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि जो हिंदुत्व जैसी चीज है, ये जो इमोटिव अपील्स है, इसका भी साहब एक एडिक्शन लेवल होता है। ये एक डोज आज ले रहे हैं, कल इससे भारी डोज चाहिए होगी। और मैं देख रहा हूं कि जो उन्माद मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए देखा है, नरेंद्र मोदी रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर फिगर। आज इलेक्शन कराइए, 77-80% लोग मोदी जी को वोट राजस्थान मध्यप्रदेश में देंगे। बट योगी जी का स्ट्राइडेंस जो है, उनका गेरुआपन, वो एक अलग हिंदुत्व की नई डोज हो रहा है। ये एक वार्निंग साइन है कि दिस इज वेयर द पॉलिटिक्स गोइंग, हायर फ्रीबीज एंड हायर हिंदुत्व। जी लास्ट क्वेश्चन पीछे की साइड से। मेरा सवाल यह है कि जैसे राजस्थान में हर विधानसभा में लोगों को लग रहा है कि उनका विधायक ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, बीजेपी की तरफ से ये रूमर फैलाया गया है, तो ये बीजेपी के लिए कैसे काम आने वाला है, या फिर उनके खिलाफ आएगा या साथ में आएगा? बीजेपी की ये रणनीति है कि ये चुनाव अशोक गहलोत की सरकार पर जनमत संग्रह में तब्दील ना हो। जब बीजेपी लोकसभा में जाती है तब उनकी रणनीति होती है कि वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर गिरे। सांसद से नाराजगी है, किसी विधायक से नाराजगी है, पार्षद से नाराजगी है, प्रधान से नाराजगी है, तो वो सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में नजर ना आए। कांग्रेस भी इसी रणनीति पर चलना चाहती थी राजस्थान के स्तर पर, इसीलिए अशोक गहलोत ने डिजाइन बॉक्स को एंगेज किया। पूरा प्रचार अशोक गहलोत, उनका चेहरा, उनकी साथ गारंटी और उनकी वेलफेयर स्कीम्स के इर्द गिर्द बिल्ड करने की कोशिश की। कांग्रेस जहां कमजोर नजर आती, वो दो फैक्टर हैं जो राहुल जी और राजदीप जी ने जिक्र किया। पहला, सचिन पायलट की नाराजगी, यानी कि गुजर बेल्ट में कांग्रेस की कमजोरी, पॉइंट वन। पॉइंट टू, विधायकों को लेकर नाराजगी है, जो सत्ता नशी रहे, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादातर जगह अच्छी नहीं है। कई लोगों ने कहा कि यदि अशोक गहलोत का पार्टी पर पूरा कंट्रोल होता, वो अलोकप्रिय विधायकों का निर्ममता से टिकट काट देते, फ्रेश चेहरों को टिकट देते, तो अपनी वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर और अपनी पॉपुलैरिटी के नाम पर उनको स्पष्ट जनादेश मिल सकता था। जनादेश अभी नहीं मिला है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, अभी सब खुले हुए हैं दांव। पर बीजेपी इसको काउंटर करना चाहती है कि गहलोत को नहीं चुन रहे हो आप, विधायक को चुन रहे हो, विधायकों के प्रति सत्तारूढ़ जो नाराजगी, उसको कैश कराना चाहती है, इसलिए ये स्कीम। सर मैं धन्यवाद, क्योंकि ये ऑडियंस में कई युवा हैं, मैंने एक ट्रेंड सभी राज्यों में देखा और तेलंगाना में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो है पेपर लीक। जिस तरह से सरकारी पेपर लीक होते हैं, रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जब पेपर्स किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट भर्ती कुछ सालों बाद होती है। आप सोचिए, इस देश में किसी ने इस पर ठोस बहस की है कि हम आपको कैसे रोजगार देंगे? बस भाषण होते हैं, लेकिन आप छोटे, ये पेपर लीक आज के जमाने में कैसे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में? और मुझे लगता है जब तक इन मुद्दों पर हम ठोस बहस, मैं लल्लन टॉप को इसी तरह सराहना करता हूं, लल्लन टॉप उन मीडिया चैनल में है जिन्होंने ये पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। हमारे नेता नहीं उठाते हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो हमें नहीं सुझा दे क्या होगा। और इसी वजह से हर स्टेट में, सौरभ, मैंने देखा है युवाओं में नाराजगी नहीं, अगर नाराजगी नहीं है तो बड़ी एक थकावट हो गई है कि कौन है वो नेता जो हमें इन मुद्दों पर हमसे बात करेगा, हमसे कौन कनेक्ट करेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने इस पर हमेशा बहस करनी चाहिए। जी, ये आगे आखिरी सवाल। आपने 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंटरव्यू किया था, जिसमें आपने पूछा था कि उन्होंने बताया था कि जो लोकतंत्र है वो धन तंत्र में परिवर्तित हो जा रहा है। सर,
ये क्यों होगा कि राजा का बेटा ही राजा होगा? क्यों हम में से कोई राजा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? और सर और सेकंड सवाल सवाल क्या सर कि हम में से क्यों? और ये जो धनतंत्र है उसको खत्म करने के लिए हम युवा कैसे एकजुट होके उनको हटाएंगे? जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया, राजदीप जी, युवाओं को कैसे एकजुट किया जाए ताकि धनतंत्र का बोलबाला खत्म हो, बताइए। युवाओं को आज एक युवा नेता की जरूरत है, एक वाकई ऐसे नेता की जरूरत। 58 साल का युवा है, युवाओं को आज एक युवा नेता की जरूरत है। नहीं देखिए मेरे दोस्त, आप सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे 2004 में जो कहा था कि हमारा देश लोकतंत्र से धनतंत्र बन रहा है, 2004 में उन्होंने कहा था। मैं अब चुनाव कवर करके आ रहा हूं, उनकी बात 100% सही थी। हमारे देश का लोकतंत्र धनतंत्र बन गया है, जिसमें अगर आप युवा हैं, आप कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं चांस मिल सकता, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं चांस मिल सकता, आपकी बात बिल्कुल सही है। और वो तभी बदलेगा जब कोई आप तैयार होंगे एक नई तरह की राजनीति लाकर, एक नया नेता जो नई बातें करे। जैसे मैंने कहा पेपर लीक्स हो, कई इस देश के प्रश्न हैं, उन पर बात ठोस करे। केवल साउंड बाइट से नहीं चलेगा आप कि आप आकर अपनी बात इन ठोस मुद्दों पर, कौन है वो नेता मैं नहीं जाता। एंट्री बैरियर मेरे दोस्त पॉलिटिक्स में बहुत बहुत ही डिफिकल्ट है, और अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो मुझे हमारी राजनीति में डर है कि जो वाकई हमारे देश में इतने होनार लोग हैं उनको कौन चाहे। अब आप देखिए पनौती की राजनीति, ये कोई राजनीति नहीं, एक मिनट दोस्तों, क्योंकि ये कोई राजनीति हुई। प्रधानमंत्री मैच के लिए जाते हैं, हमारी टीम हारती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छा खेलती है, लेकिन किस पर डिबेट होती है टीवी चैनल पर? पनौती कौन है, पप्पू कौन है? डिबेट होनी चाहिए पेपर लीक के जिम्मेदार कौन है, कौन उसके लिए जवाब दे देगा, वो उस पर होनी चाहिए। और जिस दिन ऐसा एक नेता आएगा, जिस दिन एक ऐसा नेता आएगा जो जनता के बीच में जाकर, महात्मा गांधी बड़े क्यों बने? महात्मा गांधी जनता के बीच गए, वो किसी BMW में बैठकर सिक्योरिटी गार्ड और SPG की महात्मा गांधी को जरूरत नहीं पड़ी, वो जनता से लगाव था। राजीव जी, जनता का नेता। राजीव जी, एक छोटा सा मुद्दा और जोड़ दीजिए आपकी लिस्ट में जो नेतागिरी की है, वो क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने 1760 करोड़ की दारू जब्त कर ली, बहुत लोग नाराज है, वो भी ऐड कर दीजिए। ऑन दैट नोट, मैं उम्मीद करता हूं कि 1760 करोड़ की दारू थाने के चूहे ना पी जाएं, जैसा कि 70 साल होता है। जो सफ़ेद पाउडर जब्त होता है वो ऑटोमेटिक ढंग से चौक में ना तब्दील हो जाए, उसका सही ढंग से निस्तारण हो। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस ओजस्वी भाषण के बाद राजदीप सरदेसाई जी की टीवी डिबेट्स में हमें छात्रों के मुद्दे और ज्यादा नजर आए। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। नहीं नहीं, ये सौरभ ने मुझ पर ये एक तरह से, हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाकर पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम इंग्लिश चैनल पर किया, राजदीप जी लगता इसके पहले, लेकिन राजदीप जी हमको ऐसा लगता था हमेशा कि क्रिकेटर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का होता है। नहीं देखिए ऐसा है, आजकल सम्मान पत्र लेके आओ। मैं उम्मीद करता हूं कि देश को राजदीप सरदेसाई जैसा युवा नेता जल्द मिले, सिर्फ 58 साल का। बॉस, दूसरे राज्यों, वो ऋषि सुनाक 40 साल के उम्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है, बराक ओबामा 42 साल के उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, हम यहाँ 58 साल में हम कहाँ, हम तो हमेशा जवान। राजदीप जी, आपका इतना मान है, मैं इसी बरस 40 का हुआ हूं, मैंने आपकी बात समझ ली है, थैंक यू सो मच। यही मैं कह रहा, अगर आपको वाकई नेता चाहिए, युवा नेता, तो सौरभ जी को वोट दीजिए। यानी अगला सूरज फिर यूपी से उदय होगा। आपको अगर बुजुर्ग नेता चाहिए तो राहुल श्रीवास्तव को दीजिए। और मैं अगर आप से बाहर हूं, और अगर आपको सफेद बाल वाला नेता क्या, चाहिए क्या तो नारा लगा रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो? देखिए आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया, युवा नेता। एक एक लल्लन टॉप शो में एक नया नेता उभर कर आया, लल्लन टॉप पार्टी। भैया मुझे तो बस ये चाहिए कि आप दोनों में से कोई बन जाओ, मुझे मीडिया एडवाइजर बना लेना।
नहीं नहीं राहुल जी, आपको राज्यसभा के रास्ते लाएंगे, वरिष्ठ लोगों का सदन। देखिए हर पार्टी, थैंक यू सो मच। हर पार्टी में एक भीष्म पितामह की जरूरत होती है शरशैया पर लेटने के लिए।